संस्कार जिस तरीके से 12 मई को हमारे लोकसभा क्षेत्र के चुनाव होने हैं उसी को लेकर के यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका लगातार जनसभाओं का जो उमड़ने का जो कार्यक्रम है वो लगातार बना हुआ है, उसी को लेकर के हमारे यहाँ आसपास में शिवानी मंडी में आज भिवानी लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे प्रत्याशी हैं धर्मवीर जी उनकी यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वो इस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे शिवानी मंडी के मुख्य चौक के ऊपर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरीके से आपको हमने पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे अगर हम बात करें शिवानी मंडी के क्षेत्र की तो यहाँ पर हमारे पहले से भी अगर सूखा इलाका था और यहाँ पर जो पानी आने की बात है इसके अलावा अनेक जो हमारे मुद्दे हैं उसको लेकर के हमारे यहाँ लोगों की एक आस है कि किस तरीके से यहाँ काम करें और इसी के लेकर के हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ शिवानी मंडी से और भिवानी लोकसभा महेंद्रगढ़ क्षेत्र से जो हमारे प्रत्याशी हैं वो जननायक जनता पार्टी से स्वाति यादव जी, इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी से तो बंसीलाल जी की पोत्री श्रुति चौधरी जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और एक कड़ा मुकाबला अगर हम माने तो यहाँ पर तीन जो हमारे धुंध चौक के ऊपर यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ जनसभा उमड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं कैमरामैन साथी से निवेदन करूँगा कि वो एक बार दिखाएं किस तरीके का यहाँ पर जनसलाब धर्मवीर जी की इस जनसभा में उमड़ रहा है वो आप देख रहे हैं आपके सामने हैं कि कितना यहाँ पर जेपी दलाल जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ वरिष्ठ भाजपा के नेता आप सभी के बीच हैं और वो यहाँ पर आज एक जनसभा का यहाँ पर जनसलाब नतीजा उस वक्त के वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर जेल के अंदर गए। डीएमके के करुणा निधि की बेटी जो सांसद थी वो भी जेल के अंदर। तब पता चला देश को कि ये पैसा कैसे खाते हैं। अभी आप हर आदमी बिजली का उपयोग करता है, कोई घर ऐसा नहीं जिसके में बिजली का उपयोग ना होता हो। ये तो बच्चा बेटा रोड़ा था, तो तुम्हारा भी रोड़ा है। तो किस तरह से आपका चुनाव? देखो हमारे तकरीबन 1000 और इससे ऊपर के गांव हैं इस लोकसभा क्षेत्र में। आज के बाद मात्र 37-38 ऐसे गांव बचेंगे जहां हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं और लोगों के उत्साह के को देखते हुए हम दावे से कह सकते हैं कि इस ये सीट पिछली बार जो 1,31,000 का मार्जिन था कम से कम ये दुगुना मार्जिन जाएगा और नतीजा आए तब दोबारा से जरूरी मैं आपसे देखूंगा बात करके। जो कुछ लोग कहते हैं कि मार्जिन घटेगा।